चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ कराची से, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरा ये कि ज़्यादा हम लोग वहाँ घूमने नहीं जा सके, क्योंकि हमारे मामू की जो पोती है ना, मतलब उनके बेटे की बेटी। कुछ चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ कराची से, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, मैं उतार रही हूँ नील पॉलिश अपनी, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो फिर चलो लगा लेते हैं शौक में, लेकिन फिर बस जब घर आओ तो दिल करता है बस फटाफट से इसे उतार लो। सालन में बनाने लगी थी, मैंने कहा पहले सालन बना लूँ फिर सफाई वगैरह करते हैं, काम वाम करते हैं। ये सूट अपना लिया है, ये है ना टू पीस है, दुपट्टा और वो शर्ट है सिर्फ। ये देख रहे हैं, ये देखें आप, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी जो हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर आ गए हैं, और हम रात को पहुँच गए थे, अम्मी के घर आए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें, मतलब 11:30 बल्कि बज गए थे। तो हम लोग अम्मी के घर आ गए थे, फिर रात वहाँ रुके तभी हम अपने घर आ गए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये देखें धूप लगी हुई है, ये देखें, लेकिन ठंड थोड़ी थोड़ी सी ठंड है, मतलब महसूस नहीं हो रही है, बस हल्की हल्की ठंड है। ये देखें, देख रहे और बाकी जो है हम लोग आपको दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ घर। घर बहुत ज़्यादा, यकीन करें दो दिन कहीं जाओ ना घर सारा उल्टा हो जाता है। देखें घर की हालत क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा तो मैंने सीमेंट लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये देखें हमारे मियाँ साहब जब घर होते हैं ना तो घर का धंधा कर देते हैं। ये देखें, ये देखें अभी, ये देखें कपड़े इधर बिखरे हुए हैं, ये देखें क्या हालत है। ये अभी सारा मैं समेटती हूँ, और सबसे ज़्यादा तो किचन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई थी, यकीन करें। ये देखें अभी मैंने फिर भी थोड़ा बहुत इसे समेट लिया, ये देखें चाय वगैरह बनाई है, ये देखें बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो बाकी जो है अभी करती हूँ सफाई सारे घर की, और फिर उसके बाद जो है आप लोग को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें भी मैं लेकर आई हूँ कराची से, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरा ये कि ज़्यादा हम लोग वहाँ घूमने नहीं जा सके, क्योंकि हमारे मामू की जो पोती है ना, मतलब उनके बेटे की बेटी, जिसको देखने के लिए हम गए थे, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब, अभी तक भी ठीक नहीं है। आप लोग दुआ करिएगा सब उसके लिए कि अल्लाह से सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और वो जो है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब हम अच्छे नहीं लगते ना उनको कहते हुए कि हमें लेके चलो घुमाने, ये वो बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता। और हम ख़ुद भी नहीं जा सकते थे, अगर मिसाल के तौर पर कहें कि चलो वो नहीं जा रहे हैं तो हम चले जाएं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। घर में इतनी टेंशन का माहौल था बहुत ज़्यादा ना, यकीन करें। हम जिस दिन गए उस दिन वो बच्ची थोड़ी ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन से उसकी बस तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होती रही, पता वो ना माँ का दूध पी रही थी, फीड भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत बुरी उसकी हालत हुई हुई थी, यकीन करें। अभी भी मतलब मैं तो बार बार कॉल करके पूछ रही हूँ, बस अल्लाह उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि हम खुद जाएं या उनसे कहें कि चलो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम लोग नहीं गए कहीं घूमने नहीं गए, वरना हमारा प्रोग्राम ज़रूर था। बस बाज़ार गए हैं थोड़ा सा, वो भी जो वहाँ लगते हैं ना बाज़ार, अमूमन यहाँ के जो लोग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कराची वाले, जैसे कि ये कि कराची में बाज़ार बहुत ज़्यादा लगते हैं और अच्छे भी होते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो मतलब इसलिए जो है ना वहाँ गए सिर्फ, बाकी घूमने कहीं भी नहीं जा सके। हमारा पूरा प्रोग्राम था, तैयारियाँ थी कि हमने घूमने जाना है, पूरा दिन हमने कहा था हम सिर्फ घूमेंगे सब जगह, लेकिन नहीं जा सके इसकी वजह से कि बस वो बच्ची ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई थी, इसलिए मतलब हम नहीं गए घूमने के लिए। तो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये देखें मैं उतार रही हूँ नील पॉलिश अपनी, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो फिर चलो लगा लेते हैं शौक में, लेकिन फिर बस जब घर आओ तो दिल करता है बस फटाफट से इसे उतार लो, क्योंकि फिर तो ऐसा लगता है जैसा पता नहीं वज़न हो गया। तो बस अब मैं उतारने लगी नील पॉलिश, ये देखें पहले मैं इनका पैरों की उतार लेती हूँ और फिर ये, और नील पॉलिश ये उतारने के लिए, ये देखिए ये बहुत अच्छा रिमूवर है, देख रहे हैं आप, ये बेहतरीन है, आपको देख रहे कितना अच्छा काम करता है, ये देखें, देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है, ये देखें कितना अच्छा है, ज़बरदस्त, ये देखें। और आप खुद देख रहे होंगे कि ये कितना ज़बरदस्त है, फौरी तौर पे काम करता है, ये देखें, देख रहे हैं ना आप, ये देखें बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा बस अभी मैंने सालन वगैरह भी बनाना है,
और फिर मैंने नहाना भी है क्योंकि वहाँ इतने दिन से हम नहा ही नहीं पाए थे, गर्मियों सन ठंड की वजह से। अब अपने घर आए तो फिर मैंने कहा चलें कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। ठीक है, सालन में बनाने लगी थी, मैंने कहा पहले सालन बना लूँ फिर सफाई वगैरह करते हैं, काम वाम करते हैं। सालन लेट हो जाता है फिर। और मैं बना रही थी गोभी आलू मटर, तीनों चीज़ें ये देखें मसाला भून रही हूँ। देखें मसाला भून रहा है, मिर्चें भी काट के रखी हैं, धनिया भी, और ये देखें ये मैंने ये देखें गोभी मटर आलू तीनों, क्योंकि मुझे गोभी मटर के बिना नहीं अच्छी लगती। बाकी नेल पॉलिश देखे मैंने उतार ली थी, ठीक है। और ये देखें अब ये मैंने धो के रखी, अब बस जल्दी से बस मैंने फटाफट से ना सब्जी बना के ना तो सब्ज़ी रखूँगी फिर सफाई फाई कर रही हूँ। मेरी बेटी ये घर पर आज उसकी छुट्टी के रह जाते छुट्टियाँ हैं, तो आप लोगों को जैसे तो पता है स्कूलों की छुट्टियाँ हैं और कल से स्कूल खुल जाएंगे, आज तो घर पर है तो चलो करा दूँ। बाकी जो काम इतने सारे होते हैं, अभी भी देखें किचन की मैंने शुक्र है सफाई कर ली है सारी, ये देखें सारी मैंने किचन की तो सारी सफाई कर ली है, नीचे से भी सारी वाली झाड़ू वाड़ू सब दे ली है, ठीक है ना। बस अब जो है ना काम ही नहीं यकीन करें, एक तो दिन इतने छोटे हैं कि काम में लगो ना तो बस पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाए। अभी बहुत सारे काम है मेरे, और बस मैं सोची थी पहले हंडी रख देती हूँ, हंडी मिलता बनती रहेगी तो फिर मैं जो है ना काम कर लूँगी। बाकी सारे चीज़ें मैंने कराची से ली थी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, कपड़े लिए थे ये देखें, और ये देखें एक मैंने ये सूट अपना लिया है, ये है ना टू पीस है दुपट्टा और वो शर्ट है सिर्फ, ये देख रहे हैं ये देखें आप, ये देखें ये है इसका दुपट्टा, काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो अच्छा लगा, और ब्लैक तो मेरे कलर में से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें ये देखें ये देखें काफ़ी बड़ा दुपट्टा है और देखें प्यारा भी लग रहा है, ये देखें देख रहे हैं ना ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है, ये देखें ये इसका गला बना हुआ है, ठहरा मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये देखें ये इसका गला है, ये देखें बना हुआ ना पता चल ही जाएगा, ये देखें ठीक है। और एक और मैंने शर्ट ली थी ये देखें काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये पीसों में से लिए ना ये देखें, जब ये सिलवाऊंगी ना फिर ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसका कपड़ा बहुत प्यारा था, ये देखें ये देखें अभी आपको समझ भी नहीं आएगी, फिर जब मैं इसे सिलवा लूँगी ना तो फिर आपको पता दिखाऊंगी कि देखें कितनी प्यारी जो मैं लाई थी, ये देखें ये गला है इसका, और इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, ये पीसों में सस्ता मिल गया, लेकिन ये ना अगर हम शॉप से कहीं बड़ी मार्केट से लें तो काफ़ी महंगा मिलेगा। ये देख रहे हैं ये इसका बैग है सारा, ठीक है ये देखें काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। और ये मैं लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए, ये भी रेडीमेड है सारे, ये देखें उसको ऐसे पसंद आते हैं तो फिर ये मैंने वहाँ से लिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है, देखें ये देखें ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं माशाल्लाह से। और ये दो पेंटें ली थी अपनी बेटी के लिए, ये देखें एक ब्लैक है और एक है मसूरी कलर, ये लिए है ना बस। और कहीं जाओ तो पहले टेंशन होती है पैकिंग की, फिर बाद में टेंशन होती है कि अब सामान को समेटना बहुत मुश्किल है। और ये गर्म सूट तो मैं पहन कर गई थी ये देखें, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लग रही थी कि मैंने जाते ही ना लोन का सूट चेंज कर लिया था, ये देखें ये देखें देखें नहीं शॉल वाला सूट, मैं गर्म सूट लेकर गई कपड़े लेकर गई थी, लेकिन यकीन करें कि मैं नहीं पहन सकी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ गर्मी थी मौसम इतना गर्म था, ये देखें। और ये मैंने वहाँ से अपना ना एक स्वेटर लिया था, ये देखें बुध बाज़ार से ना, ये देखें कितना प्यारा है, देख रहे
अब यार ये देखिए मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं फुल आस्तीन वाला नहीं पहनती, मुझसे नहीं पहने जाते ये, इसलिए मैंने ये लिया अपने लिए। ये देखें कितना प्यारा है, देख रहे हैं, देखें कितना प्यारा, इसके पॉकेट भी बने हुए हैं और देखें कितना प्यारा लग रहा है, देखें कलर भी कितना खूबसूरत है, काम भी देखें कितना अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और ये दो शर्टें ली थी वहाँ से नाइट में पहनने के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए, देखें एक ये और एक ये सॉरी ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हैं ना रात में पहनने के लिए ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये देखें देख रही ना, एक ये एक ये ब्लैक है, ये देखें ये देखें देख रहे हैं अच्छी लग रही है। मैंने भी ली अपने लिए भी, मैंने कहा चलो रात में पहनने के लिए ली तो है लेकिन मैं पहनती नहीं क्योंकि मुलायम सी है, अच्छी लगी मुझे ना। ये देखें पीछे इसके चिन्हे बनी हुई, देख रहे हैं ये फ्रॉक टाइप की बनी हुई है पीछे से, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, बस अच्छी लगी मुझे वहाँ से तो मैंने ले ली, मैंने कहा चले ले लेती हूँ देखती हैं। ये देखें शर्ट अच्छी लग रही है, देखें लेकिन जब मैंने यहाँ ला कर चेक किया तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत बुरी लग रही है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, देखते हैं अब पहनते हैं यहाँ। और मैं बस वो लेकर आई थी, हाँ मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत है, देखें कितनी प्यारी लग रही, मुझे इतनी पसंद आई थी वहाँ पर कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसे छोड़ूँ, मैं ले आई, मैंने कहा अच्छी लग रही है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब पेंट वगैरह पर पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी, देखें अच्छी है ना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस और क्या लिया था, वेलकम बैक जी, हम आ गए हैं। और मैं असल में सो गई थी क्योंकि रात जब हम वहाँ से आए थे कराची से तो अम्मी के घर पर तो काफ़ी देर हमें हो गई थी, हम पहुँचे भी देर से थे और फिर जो है ना सोए भी देर से, काफ़ी देर हो गई थी हमें सोते सोते, फिर मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, यहाँ घर पर आना था तो फिर इसलिए जो है ना आके काम के इतनी थकन हो गई थी, काम वगैरह किया, खाना बनाया, फिर मैं नहाई नहा के फिर मैं खाना खा के ना मुझे यकीन करें इतनी सर्दी लगी, मुझे होश ही नहीं रहा, बस मैं ऐसे लेटी थी और मुझे ऐसी नींद आई कि 7 बज गए शाम के। तो अभी मेरी बेटी ने उठाया, मम्मा उठ जाओ 7 बज गए और चाय, ये देखें मेरी बेटी चाय बना के दे के गई है मुझे। तो बाकी जो है शाम हो गई, आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। बाकी बताइएगा ज़रूर कि जो मैंने शॉपिंग की कैसी थी। और अल्लाह हाफिज़, अब अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने